खैरथल में राजकीय महाविद्यालय में साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सहायक आचार्य दीपक चंदवानी ने बताया कि इस गतिविधि में चेन्नई की पब्लिशिंग कंपनी में जर्मन प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत निष्ठा नारंग ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने विशेष अतिथि के रूप में निष्ठा नारंग का स्वागत किया। इस दौरान निष्ठा नारंग ने विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखने और उसके माध्यम से विदेशों में शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। साथ ही कार्यशाला में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस जानकारी को पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। महाविद्यालय खेरथल में आई साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अनुरूप और मैंने बच्चों को जर्मन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताया और लिंक्डइन में कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, कैसे हम उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझाया। कई बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि वो आगे जर्मन कैसे सीख सकते हैं, कैसे लेवल्स कर सकते हैं और जर्मनी में कैसे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके और बच्चों को अपने सुझाव देके। आज राजकीय महाविद्यालय खैरथल में बच्चों को अपना भविष्य में किस तरह से विदेशों में जा सकते हैं और किस प्रकार से अपना प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हमारे महाविद्यालय में निष्ठा नारंग को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने जो कि चेन्नई में जर्मन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पब्लिशिंग डिवीजन में, और उन्होंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से वो अपने प्रोफाइल तैयार करके और किस प्रकार विदेशों में जा करके अपना फ्यूचर को और अधिक फ्लोरिश कर सकते हैं। आज मैं राजकीय महाविद्यालय खेरथल में आई साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अनुरूप और मैंने बच्चों को जर्मन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताया और लिंक्डइन में कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, कैसे हम उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझाया। कई बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि वो आगे जर्मन कैसे सीख सकते हैं, कैसे लेवल्स कर सकते हैं और जर्मनी में कैसे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके और बच्चों को अपने सुझाव देके। आज राजकीय महाविद्यालय खैरथल में बच्चों को अपना भविष्य में किस तरह से विदेशों में जा सकते हैं और किस प्रकार से अपना प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हमारे महाविद्यालय में